हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे वीडियो एलटीपी कैलकुलेटर पर बनाने के बाद आज एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। एलटीपी कैलकुलेटर से डॉट टू डॉट रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करें, और ये काम जो है वो पुराने वर्जन के अंदर नहीं होने वाला, क्योंकि पुराने वर्जन के अंदर आपको सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड जो है वो लेना पड़ता है। और आपने अभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखा, फिर थोड़ी देर बाद जाकर के देखोगे तो वो प्राइस जो है वो चेंज हो चुका होता है और आपको पता ही नहीं चलता एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है। तो ये पुराने वर्जन में काम नहीं होने वाला, ये काम आपको करना है नए वर्जन के अंदर। और कब ये चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हाँ ये हमारा जो प्राइस है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का या फिर रिवर्सल का पॉसिबल प्राइस जो है वो हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन आपको एक चीज़ का पता नहीं है और उसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मेक श्योर करना वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि कोई भी कभी भी पॉइंट जो है कितने बजे तक मार्केट कहाँ पर घूमता है, जैसे आज का मार्केट ही अगर हम लोग देख ले तो आज के मार्केट में हम लोगों को क्या देखने के लिए मार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुल करके नीचे आया, एक सर्टन पॉइंट से ऊपर की तरफ गया, एक बहुत अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल बना और वहां से मार्केट जो है वो क्लियरली ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन, नीचे जाना ऊपर जाना नीचे फिर से आना साइडवाइज चले जाना, यहाँ पर जो लोग फ्लक्चुएशन देख के घुसे होंगे उनको पैसा ही नहीं मिला होगा। तो कब कब क्या क्या ट्रेड करना है आज डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले। और अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर का ओल्डर और न्यू वर्जन अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो सिर्फ दो दिन बचे, आज और कल का दिन आपके पास बचा है कम्युनिटी बैच ज्वाइंड करने के लिए। आप 1 तारीख को भी ज्वाइंड कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। तो डॉट टू डॉट रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करें और ऑप्शन बाइंग की क्या स्ट्रैटेजी, हम लोग सिर्फ कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं ना, और कॉल और पुट में मार्केट क्या होता है साइडवेज अगर गया अपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपको नुकसान हो जाता है। सपोज करो आपने ऊपर जाने के लिए मार्केट को देखा, कॉल बाय किया, मार्केट साइडवेज हो गया या फिर आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में गया तो आपको लॉसेस होने वाला है। मैं आपको कम्युनिटी बैच मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ जिससे मार्केट ऊपर भी गया तो भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे भी गिरा तो भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। तो आपको जस्ट वहां पे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डाल करके बैठनी है और आपको वेट करना है दिन भर की मार्केट में 1% का मूवमेंट आइदर साइड ऊपर या नीचे कहीं पर भी आया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। बस आपको एक ही कंडीशन में लॉस होने वाला है, साइडवेज मार्केट के अंदर, और मार्केट अभी साइडवेज नहीं है, मार्केट नीचे गिरता है, वैसे ऊपर भी जाता है और फिर से नीचे भी गिरता है। तो हम लोगों को एक डायरेक्शन कैच करनी है, ऊपर चाहे नीचे कोई भी डायरेक्शन में हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, हम लोग बुक कर लेंगे। अगर कहीं डायरेक्शन में मार्केट गया नहीं, साइडवेज हो गया, तो एक छोटा सा अमाउंट हम लोग स्टॉप लॉस का 500-600 हज़ार रुपये का लॉस देंगे, उसके सामने हम लोगों को 1.5 से 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये बनने का मौका जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और ये मैं बहुत बड़े लॉट्स की बात नहीं कर रहा, 1-2 लॉट के अंदर 3 लॉट के अंदर भी काम करोगे 20-25 हज़ार में ये काम होने वाला है। ऐसी स्ट्रैटेजीज अगर सीखनी है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं डॉट टू डॉट रिवर्सल का क्या सीन बनता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं 9:15 को आपको लेकर के चलता हूँ। 9:15 यहाँ पर मैंने टाइम जो है वो सेट कर लिया है, हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा 2x जो है ना इसको 1x कर लेते हैं ताकि ये स्पीड कम कर दे अपनी भागने की, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्ले करके कि मॉर्निंग में माहौल कैसा था, कैसे पहचानोगे आप मेरी थॉट प्रोसेस को, देखना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए 400 पे था, वीक टूवर्ड्स बॉटम फिर चला गया, इसको कोई अहमियत हम लोगों को नहीं देनी है, क्योंकि गैप डाउन खुला तो गैप डाउन में वीक टूवर्ड्स बॉटम का दिखाना उसका बनता है। अब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम था और बॉटम पर शिफ्ट हो गया, 400 पे रेजिस्टेंस चला गया, यहाँ पर हम लोगों को 400 पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। एक चीज की तरफ आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है ये रिवर्सल, रिवर्सल प्राइस यहाँ पर आपको दिखा रहा है और जिस प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, जो प्राइस ब्रेक हो चुकी है, वहां का कॉल या पुट हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट अगर ढूंढना है तो पुट की तरफ यहाँ पर देखना है, और ऊपर जाते हुए मार्केट में रेजिस्टेंस अगर देखना है तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट के लेवल के पास अगर चला गया। अभी आपको कहाँ पर रिवर्सल प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को 24,445 के आसपास, हम लोगों को 43 के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये हमेशा मिनट बाय मिनट चेंज होता रहेगा, टाइम बाय टाइम ये चेंज होता रहेगा, आपको उसी एरिया का मान करके चलना है जब तक ये एरिया ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा आता 400 के लेवल पर कि ब्रेकडाउन हो चुका है, तब तक हम लोगों को इसी लेवल को हमारा सपोर्ट मान करके चलना है।
अब देखते हैं हम लोगों को सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है करीब करीब हमारा 24,342.40 के आसपास। ठीक है, अभी मैं क्या कर देता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। ठीक है, 24,342.42 के आसपास हमारा सपोर्ट जो है पॉसिबल रिवर्सल प्राइस। ठीक है, ये पॉसिबल है, 100% नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक सपोर्ट है पुट की तरफ का, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि कॉल बाइंग में करूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हमारा रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम था और ये बॉटम की तरफ उस टाइम पे शिफ्ट हो चुका था, तो यहाँ पर एक पॉसिबल बॉटम लगने के चांसेस कहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ इस लेवल पर बन जाते हैं जो कि रिवर्सल प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, 400 पे बॉटम नहीं लगेगा, इस रिवर्सल पॉसिबल प्राइस पे बॉटम जो है वो लगने के चांसेस है। कब तक हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है, कब तक हम लोग इसको मानेंगे 400 के लेवल पर, जब तक इस तरीके का ब्रेकडाउन लिख करके नहीं आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन लिख करके आ गया तो हम लोग इसको नहीं देखने वाले। ठीक है, फिर हम लोग इस रिवर्सल प्राइस को देखने वाले। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है चीजों को समझना है, उसको देखना है। ठीक है, अब सेलिंग का प्राइस कहाँ पे था, तो सेलिंग का प्राइस 24,390 के पास था। ठीक है, वहां से 24,390 यानी कि कौन सा लेवल आता है, 24,390 यानी ये वाला, यहां से सेलिंग था और यहाँ कहीं 42 पर मैं एक लाइन दे देता हूँ, 40-42 पर एक लाइन दे देता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर पॉसिबल रिवर्सल प्राइस का हम लोगों को सपोर्ट का मिल चुका है। रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर है 91 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 91 पर एक लाइन जो है वो खींच लेते हैं, रेड कलर की लाइन वो होगी रेजिस्टेंस की। अब देखो मार्केट में हुआ क्या, किस तरीके से ट्रेड करना है, पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई। ठीक है, पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई और उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर दो रेड कैंडल बनी, मिलकर के भी इसका लो क्रॉस नहीं कर पाए, फिर एक ऊपर की तरफ हाई क्रॉस किया, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर हाई क्रॉस किया, फिर दो तीन रेड कैंडल, ये क्या हो चुका है। यहाँ पर ये चार्ट आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ तक प्राइस फिर से कभी नहीं आई। ठीक है, यही से रिवर्सल लिया, फिर एक बॉटम लगाया और यहाँ से रिवर्स होला, आपका कॉल बाइंग या फिर पुट सेलिंग का प्राइस यहाँ पर था 24,342 से 50 के बीच में, आप कहीं पर भी कॉल बाय कर सकते थे या फिर आप पुट सेल कर सकते थे। ठीक है, अब कॉल बाय करना है या फिर पुट सेल करना है, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, आप इस चीज को देखो कि सपोर्ट यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, ऐसे में मार्केट जो है ना वो शार्पली फॉल नहीं करता, ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है मार्केट, इस चीज को क्यों नहीं देखते आप लोग, ऑलरेडी मार्केट ने एक प्राइस ड्रॉप दे चुका है, मार्केट यहां से लेकर यहां तक 100 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट ऑलरेडी दे चुका है और अभी सपोर्ट के पास खड़ा है, मेन रिवर्सल प्राइस के पास खड़ा है और उसमें भी सिनारियो जो है, अब सिनारियो पता होने चाहिए, इसके लिए आपको उसको लर्निंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्निंग पर फोकस करोगे तो ही अर्निंग कर पाओगे, अगर आपका फोकस पैसे कमाने पर होगा, सीखने के ऊपर आप फोकस नहीं दे रहे हो तो फिर आपके लॉसेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले, उससे बहुत अच्छा ये है कि आप सारी सिनारियोज को, सारी पॉसिबल कंडीशंस को, सारी ही ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज को आप ढंग से सीख लो तो आपको वहां पर प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैं कॉल बाय नहीं करूंगा क्योंकि वीक टूवर्ड्स बॉटम का सिनारियो बना हुआ, तो मार्केट जो होता है वो ऊपर भी जाएगा ना तो उतना शार्पली मूवमेंट नहीं करेगा, धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक पुट जो है वो 350 का बेच दूँ, ये वाला पुट जो है वो मैं बेच दूँ। ठीक है, अब इस वाले पुट के अंदर अगर आप देखोगे 350 का पुट जो है वो मॉर्निंग में, अगर आप इसको देखना चाहे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, डेफिनेटली 350 के पुट ने मॉर्निंग में सेलिंग के बाद प्रॉफिट दिया होगा, अगर आपने पुट सेल किया होगा तो प्रॉफिट दिया होगा इसने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्या कर देता हूँ, आज की तारीख का 350 का जो पुट है यहाँ पर कहीं पर लगा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, और कॉल भी मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ, 400 का कॉल जो है वो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, निफ्टी को थोड़ा साइड कर देते हैं, ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच में आपका 400 का कॉल है, ये देखो ये कॉल किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं ऑप्शन बाय नहीं करता, ये कॉल देखो 100 बार ये नीचे गिरा होगा, कई बार ये नीचे गिरा आपको कहीं ना कहीं डरा करके निकाल देगा और फाइनली 48 पॉइंट्स का इसने जो है रैली हम लोगों को दिखाया। और पुट देखो, पुट देखो किस तरीके से पुट जो है वो कंटिन्यू, यहाँ पर अगर कोई पुट को बेचने वाला होता यहाँ पर तो आप देखो कभी भी नहीं, आपका क्या हुआ,
एक चीज में आपको ऑब्जर्व करनी जरूरी है, यहाँ पर अगर आपने कॉल बाय किया होगा तो इस कैंडल में आपका कॉल का स्टॉप लॉस ही 2 होगा, लेकिन पुट अगर सेल किया होगा तो ये उस प्राइस पर कभी नहीं आया, यहाँ तक आया फिर गिर गया, फिर वहां तक जा नहीं पाया, फिर नीचे नीचे नीचे, और बहुत अच्छा है 56 पॉइंट का कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दे चुका है। अब इसकी स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हम लोग दोनों तरफ प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, आपको सारी ही स्ट्रैटेजीज मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सीखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही आप उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने लग जाओगे, आप देखोगे आपके लॉसेज जो है ना वो 500-1000 रुपए तक सीमित हो गए, और प्रॉफिट जब भी आएगा आपको 1000-2000-3000 के ऊपर का भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो छोटे लॉस बड़ा प्रॉफिट आने लगेगा, और आप देखोगे नेट टू नेट आप प्लस में जा रहे हो, क्योंकि निफ्टी अभी शांति से नहीं चल रही, निफ्टी वोलाटाइल है। आप यहां से देखो निफ्टी के अंदर कितना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट में आप दो लॉट में भी काम करते ना, उस स्ट्रैटेजी से दो लॉट में भी काम करते तो भी आपको यहाँ पर 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हो चुका होता दो लॉट के अंदर। ऐसी वो स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट करोगे बड़ा, लॉसेस करोगे छोटा, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। उसके लिए आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो रिवर्सल प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को पहली रिवर्सल प्राइस ब्रेकडाउन के बाद पहली रिवर्सल प्राइस पर हमेशा आंखें बना करके रखनी है। जैसे ही निफ्टी ने उस लेवल को टच किया, यहाँ पर कॉल को छोड़ देते हैं, मैं पुट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, पुट को शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर सपोर्ट है, मुझे पता चल गया ठीक है यहाँ पर सपोर्ट है। एक बार ये सपोर्ट के पास आके वापस जब घूम रहा था ना, तो ये कैंडल बन रही थी, निगेटिव कैंडल बन रही थी। और अगर आप देखो बाद में हमारे मूविंग एवरेज के सेटअप में भी ये है, यहाँ पर भी सेल करते स्टॉप लॉस रखते बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, यहाँ पर भी सेल करते स्टॉप लॉस रखते ऊपर टॉप का तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपको जहां पर सीखने वाली है वो है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, ठीक है। इस चीज को ऐसे प्रिडिक्ट किया जाता है एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन में, ठीक है। और मैं आपको बेसिक से एडवांस सिखाने वाला हूँ, हर एक सिनारियो हर एक स्ट्रैटेजीज की जबरदस्त तरीके से आपको पता चलने वाली। तो ये पॉसिबल रिवर्सल पर हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता और इसका ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर या नीचे की तरफ, तब तक ये आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। और आप देखोगे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट लेवल पर आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा, कहीं ना कहीं से तो पकड़ोगे आप, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से आप अगर जाओगे, इसी पर अगर नजर रखोगे, तो आपको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट काम करता हुआ और कोई ना कोई रेजिस्टेंस हमेशा डॉट टू डॉट रिवर्सल देता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम लोगों को आज ये 342.40 के पास से ही डॉट टू डॉट, आप देखो प्राइस क्या चल रहा है 24,340, यही से ये कौन सा प्राइस है 24,345.40, ठीक है 50 के आसपास से ये घूमता हुआ दिखाई दिया ऊपर की तरफ। आप चाहे कॉल बाय करो या पुट बाय करो, अब ऊपर की लेवल पर, ठीक है ना, हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम लोग जाए, यहाँ पर कौन सा लेवल पर रेजिस्टेंस लिया 1 बजे के करीब करीब, हम लोग अगर हिस्टोरिकल डेटा को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं 4x में, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी भागेगा, बहुत तेजी से भागने वाला ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों को वो चीजें पता चलेगी जहां पर टॉप लगने वाला है। अब 500 के लेवल पर रेजिस्टेंस था, 500 के लेवल पर आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये जब तक भाग रहा है तेजी से हम लोग उसको देखते हैं कि 500 के लेवल पर रेजिस्टेंस था, पॉसिबल रिवर्सल क्या है 24,390। अब इसका ब्रेकआउट जब होगा ऊपर की तरफ तब हम लोग 442 के पास 40 के पास जाने वाले। तो 442 का लेवल हम लोग देखते हैं कि कहां पर है और ये कहां से घुमा है। आप ये चीज याद रखना हमेशा कि रेजिस्टेंस जो है वो 500 का दिखा रहा है, ठीक है ना, 500 तक हम लोगों को धोखा है ऊपर की तरफ सेल करने के लिए, ठीक है। तो 500 तक हम लोग एक उसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन को 500 तक एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको 500 का, ये रहा 500 लेवल, आप देखो रेजिस्टेंस का लेवल था 500, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। और अगर आप देखो पॉसिबल पहला रिवर्सल 400 है, 400 का ब्रेकआउट अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो वहां से भी सेलिंग आ सकता है, ठीक है। अब 500 का हमारा फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा, हम लोगों को सेलिंग अगर करनी है तो 500 के लेवल पर। और जो बाइंग का आपका स्टॉक रहेगा, आपका जो भी बाइंग यहां से किया होगा, आप लेकर के कहां जाओगे 500 तक लेकर जाओगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग, वहां से सेलिंग अगर हो रहा होगा, इतनी बेहतरीन प्राइस एक्शन की कैंडल मैंने पहले बनते हुए कभी नहीं देखी। इस प्राइस एक्शन की कैंडल पर आपका सेलिंग का ट्रेड 101% बनता ही बनता है। इतना अगर शूटिंग स्टार इतना भयंकर अगर बनेगा तो ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देने वाला है। और वहां से जो कॉल सेलिंग बना या फिर पुट बाइंग बना, वो आप देखो पुट बाइंग किस तरीके से रिवर्सल आया है, आप यहीं पर देख सकते हो कि बहुत अच्छा हैमर बना है, उसके बाद जो क्रॉस कर रहा है तो बहुत बढ़िया से पुट में बनाया प्रॉफिट। और कॉल सेलर, जहां तक की बात है कॉल सेलिंग की,
आप देखो बहुत अच्छा है, हैमर इन्वर्टेड हैमर बना और वहां से गिर गया, बहुत मक्खन की तरह ये गिरा। करीब करीब आपका सेलिंग जो था वो 122 रुपये पर था और प्रॉफिट बुकिंग 50-55 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना था, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल देखने के लिए मिलता हुआ। बाइंग में 37 रुपीज़ और पुट सेलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग होल्ड करते तो 73 रुपीज़ के आसपास का ये प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिला। रिवर्सल में भी, क्योंकि इसने पहले ही 500 का रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखा रहा था, बॉटम से अगर टॉप की तरफ मार्केट जा रहा है धीरे धीरे, तो सेलर क्या करेगा, ऊपर टॉप पर सेलिंग का सोचेगा ना कि यहाँ कहीं पर सेलिंग का, ऐसे सोचना पड़ता है। अब ये वीडियो देख करके आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है और आपको अपने लेवल के वेट आने का इंतजार करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे 2 दिन है 3 दिन है आपके पास एडमिशन लेने के लिए, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे लिखो आई वॉन्ट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, मैं आपको डिटेल्स जो है वो सेंड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।